वो है मूवी वर्ल्ड, और ये ब्रिस्बेन का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है, और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कितने बड़े रोलर कोस्टर्स हैं यहाँ पे। बज चुके हैं और हम लोग जो प्लेस पे आए हैं वो है मूवी वर्ल्ड, और ये ब्रिस्बेन का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है, और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कितने बड़े रोलर कोस्टर्स हैं यहाँ पे। वैसे ये गोल्ड कोस्ट में, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से ये अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स दूर है, और ये जो अम्यूजमेंट पार्क है वो कुछ 10 बजे ओपन होगा, सो हम लोग को और एक घंटा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडिया का फ्लैग दिख रहा है मुझे, सो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि ऐसा इंडिया का फ्लैग देखने मिल रहा है ये कंट्री में। ये टिकट प्राइजेस है यहाँ पे। सो फाइनली अंदर आ गए हम लोग, और ये बहुत ही बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है, सो उसके लिए मैप है। बहुत बड़ी है, और आई थिंक 20 मिनट्स तो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। All systems go. Ready to launch. 5, 4, 3, 2. यहाँ पे 8 थ्रिलिंग राइड्स है, जिसमें से 4 मैंने कंप्लीट किए हैं और अभी 4 और बाकी है। तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे बहुत भूख लगी है, और एक बार लंच कर दिया फिर मैं बाद में की राइड्स नहीं कर सकता, तो मैंने डिसाइड किया कि ये 4 राइड्स मैं कंप्लीट करूँगा और उसके बाद फिर लंच करूँगा। सो अभी चलते हैं। और ये जो राइड है वो है सुपरमैन राइड, ये सबसे बेस्ट है यहाँ पे, मतलब आप देख सकते हो कितना सुपर ट्रैक है इसका, और ये पूरा ऐसा, और वहाँ से अभी निकलेगा तो राइड वॉज अमेजिंग, मतलब ये सबसे यहाँ पे थ्रिलिंग राइड थी, और ओह गॉड, लाइक आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। तो अभी जस्ट मैं लंच करने आया हूँ, और इतने बड़े प्लेस पे मुझे जस्ट खाने के लिए एक बर्गर ही मिला है, क्योंकि बहुत कम रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे, और ये इतना सा बर्गर जस्ट $20 का है, सो बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे खाना वैसे। ओके, सो अभी अपडेट ये है कि लंच हो गया मेरा, और आज मैं गोल्ड कोस्ट में ही स्टे करने वाला हूँ। वैसे गोल्ड कोस्ट के बारे में कुछ बताता हूँ कि गोल्ड कोस्ट ये इंडिया में गोवा जैसा प्लेस है, वैसे यहाँ पे गोल्ड कोस्ट है ब्रिस्बेन में, एंड मैंने बहुत लोगों से सुना है कि इट्स अमेजिंग प्लेस, और मैं अभी तक घुमा नहीं हूँ। सो आज ये फर्स्ट दिन था मेरा गोल्ड कोस्ट में मूवी वर्ल्ड में, और मूवी वर्ल्ड का ये जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अमेजिंग था, मतलब मैं यहाँ के जो रोलर कोस्टर्स है और एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत ही अमेजिंग रोलर कोस्टर है, बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देते हैं, और आई विश मैं बहुत सारे मोमेंट कैप्चर कर पाता बट नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, बट एनीवे मैं कल के मोमेंट भी कैप्चर करूँगा। सो अभी 4 बज चुके हैं, और अभी मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये 4:30 को अम्यूजमेंट पार्क क्लोज होता है, सो बस अभी निकलते हैं हम लोग। जस्ट मैं
गोल्ड कोस्ट पहुँच चुका हूँ और बस ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और बहुत थका हुआ हूँ। सो कल मैं नया व्लॉग बनाऊँगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। सो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ में।